हाय गाइस, कैसे हैं आप? मैं मोनिका और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुक विद मोनिका। दोस्तों, आज हम बना रहे हैं फ्रेंच फ्राइज़, बिल्कुल मैकडोनल्ड्स वाले। आप बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल मार्केट से आप फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़ लाते हैं या मैकडोनल्ड्स जाकर खाते हैं, वही बनेंगे, सेम बनेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। घर पर आप आसानी से बना सकते हैं, कुछ स्पेशल ट्रिक नहीं है। कैसे बनाए मैंने, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सभी आलूओं को आप पहले इस तरीके से पीलर से छिलका निकाल लीजिए और इसे हम वैसे ही काटेंगे जैसे फ्रेंच फ्राइज को काटा जाता है। तो आप इनको, आलूओं को काट लीजिए। देखिए, मार्केट से फ्रेंच फ्राइज हम बहुत महंगे लेते हैं। अगर आप फ्रेंच फ्राइज कटर ले लें घर पे तो इजी रहता है, या तो आप हाथ से काट लीजिए। फ्रेंच फ्राइज के लिए थोड़े पतले और लंबे ही काटिए, मोटे मोटे मत काटिए। तो मेरे पास तो फ्रेंच फ्राइज कटर है, तो मैं उसकी हेल्प से काटूंगी। तो क्या करें, इस तरीके से बहुत इजीली क्या रहता है, बिल्कुल देखने में मार्केट के लगते हैं एक ही साइज के कटते हैं, और जो इनकी थिकनेस रहती है वो बिल्कुल सेम रहती है। तो आप झटपट से बहुत सारे आलू इस तरह से कटर से काट सकते हैं। तो आप कटर ले लीजिए या हाथ से काट लीजिए। अभी फ्रेंच फ्राइज के लिए मैंने आलूओं को इस तरीके से काट लिया है। अब मैं इन्हें गर्म पानी में डुबो कर रखूंगी। तो एक तरफ जब मैं इन्हें काट रही थी, मैंने पतीली में गर्म पानी रख दिया है, तो मैं आलू उसमें डाल दूंगी। आप आलूओं को, कच्चे आलूओं को गर्म पानी में डाल दीजिए। देखिए, पानी खोलने लगा है। अब मैं इसमें आलू डाल रही हूँ जो मैंने काट कर रखे थे, और नमक या तेल हमें कुछ भी नहीं ऐड करना है। देखिए, सारे कटे हुए आलू मैंने गर्म उबलते पानी में ऐड कर दिए। आप देख सकते हैं पानी का रंग जो है सफ़ेद हो गया। मैंने इसमें कुछ भी नमक वगैरह नहीं डाला है। आलूओं में से जो स्टार्च है वो निकल रहा है, कुछ स्टार्च निकल जाएगा, कुछ स्टार्च जो है कुक हो जाएगा। तो हमारे फ्रेंच फ्राइज़ को भी हमने ऐसे ही बनाना है। इन आलूओं को हमने पकाना नहीं है ज़्यादा, सिर्फ आप घड़ी देख के 3 से 5 मिनट के तक ही डुबो कर रखे। देखिए, जैसे ही पानी गर्म होने लगा फिर से मैंने गैस को बंद कर दिया। अब हमने गर्म पानी में 3 से 5 मिनट तक आलूओं को डुबो के रखना है, इससे ज़्यादा नहीं। देखिए, आलू गलने लगे हैं, 5 मिनट होने ही वाले हैं। तो अब हम आलूओं को ठंडे पानी में डालेंगे। एक बर्तन में मैंने खूब सारा ठंडा पानी ले रखा है, उसमें बर्फ़ के टुकड़े यानी आइस क्यूब्स भी डाले हुए हैं, ताकि पानी जो है बहुत अच्छे से चिल्ड और ठंडा हो जाए। अब हम डायरेक्टली गर्म पानी से आलू निकालेंगे कटे हुए, और उन्हें ठंडे पानी में डाल देंगे। ऐसा करने से जो आलूओं का जो कुकिंग है वो रुक जाएगी, जो इसमें स्टार्च था वो भी हमारा जितना कुक होना था हो जाएगा। आलू बिल्कुल हमने ठंडे कर लेने। इस तरह से करने से ही हमारे जो फ्रेंच फ्राइज हैं बहुत अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। देखिए, मैंने जैसे ही इन्हें गर्म पानी से निकाला है, अब मैं इसे बिल्कुल ठंडे ठंडे पानी में डाल रही हूँ, और पानी में खूब सारी बर्फ़ होनी चाहिए ताकि पानी जो है ठंडा रहे। हमने इस तरीके से आलूओं को पानी में 5 से 7 मिनट डुबो के रखना है, जब तक आलू का हर टुकड़ा एकदम ठंडा हो जाए। देखिए, बर्फ़ पिघलने लगी है और आलू जो है बिल्कुल हमने ठंडे कर लेने हैं। जब बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे आलू के टुकड़े, तब हम इसे किसी छाननी में डालकर छान लेंगे। देखिए, हमने इन्हें भी स्ट्रेन कर लिया है, आलूओं को इस तरह से छाननी में डाल दिया है। इसे छांट लीजिए ताकि जो एक्सेस पानी है निकल जाए। अब हमने आलूओं को फैला के रखना है थोड़ी देर के लिए। आलूओं को किसी एब्जॉर्ब पेपर पर, टिश्यू पेपर पर या किचन टॉवल पर आप इस तरीके से फैलाकर रख दीजिए। और आप देख रहे हैं अभी इसमें थोड़ी हमें शाइन दिख रही है, जहाँ जहाँ पानी है वहाँ चमक रहा है हमारा। तो आप इसे इस तरीके से टिश्यू पेपर से प्रेस करके इसका एक्सेस पानी निकाल सकते हैं, पर लेकिन थोड़ी देर फैलाकर जरूर रखिए, 10 से 15 मिनट। देखिए, आलू हमारे पिछले 15 मिनट से मैंने रखे हुए हैं, और इन्हें मैं थोड़ा थोड़ा इस तरीके से प्रेस करते हुए टिश्यू पेपर से इनके ऊपर जो पानी है उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे, ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए। जब हम इन्हें फ्राई करें तो ये बहुत ही क्रिस्पी और अच्छे बने। तो देखिए, आलू आप देख सकते हैं सूखे लग रहे हैं, 15 मिनट में आलू सूख गए हैं बिल्कुल। अब मैं इन्हें तल लूँगी। दोस्तों, अब हम फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए इन फ्रेंच फ्राइज़ को हम 2 बार फ्राई करेंगे। तो एक तरफ तेल गर्म हो रहा है, तेल हमारा मीडियम हॉट है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, एकदम सिम डालें ब्राउन हो जाए, नहीं तो स्वाद नहीं बनेंगे। आप तेल के टेम्परेचर को मीडियम रखिए, आँच को कम कीजिए, और आलू इसमें जो हमने काट कर रखे हैं डाल रहे हैं। और तेल कढ़ाई में ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कई बार झाग बनकर तेल बाहर आ जाता है, तो कढ़ाई में तेल भी कम डालिए। और अभी हमारे फ्रेंच फ्राइज़ जो हम तलने शुरू करें, आप देख सकते हैं तले पर बैठ गए हैं, इतना तेल गर्म हो कि तैर कर ऊपर ना आए, नीचे तले पर बैठ जाए। अब इन्हें कम आंच पर हमने पकाना है। ऐसा करने से आलू में जो पानी होगा, मॉइस्चर होगा, वो सूख जाएगा। जितना मॉइस्चर सूखेगा उतने क्रिस्पी और बढ़िया हमारे फ्रेंच फ्राइज़ बनेंगे। देखिए, हमारे फ्रेंच फ्राई फ्राई हो रहे हैं, इन्हें थोड़ा सा हम चलाएंगे देखेंगे, और जैसे जैसे हल्के होते जाएंगे ये तैरने लग जाएंगे, इनके अंदर का मॉइस्चर सूखता जाएगा। लेकिन आप आंच को शुरू के 5 मिनट 7 मिनट कम रखिए, उसके बाद आप मीडियम कर सकते हैं। देखिए, हमारे फ्रेंच फ्राई पकने शुरू हो गए, हल्के होने शुरू हो गए,
और ये अब थोड़े से आकर तैरने भी लगे हैं। इन्हें इस तरह से आप हिलाते हुए पकाइए, एकदम से छोड़िए नहीं, थोड़ा सा कढ़ाई में करछी चलाते रहिए। तो फ्रेंच फ्राइज जब हमारे हाफ डन हो जाएंगे तब हम इन्हें निकाल लेंगे। दोस्तों अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप इन्हें कुरकुरा ब्राउन करके निकाल लीजिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं बिल्कुल मार्केट वाले बनाना तो इन्हें हाफ डन कीजिए इस तरह से और निकाल लीजिए। देखिए मैंने इन्हें हाफ डन करा है, पूरा नहीं पकाया, नहीं प्लेट में निकाल रही हूँ और ठंडा करूंगी। तो इन्हें इसी तरीके से सारे फ्रेंच फ्राइज को आधा पकाइए, हाफ डन यानी आधा पकाइए और निकालिए। देखिए फ्रेंच फ्राइज हमारे इस तरह से रेडी हैं, आप इन्हें सालों तक स्टोर कर सकते हैं। सालों तो नहीं, इतने ज़्यादा टाइम के लिए क्या ज़रूरत है हमें बनाने की, आप एक साथ 2-3 महीने के लिए इकट्ठे बना सकते हैं, हफ्ते के लिए बना सकते हैं। आप इसे फ्रेंच फ्राइज लीजिए, तल लीजिए, आधा पकाइए, इन्हें फैलाइए प्लेट में, ठंडा कीजिए, फिर किसी भी अच्छे एयर टाइट कंटेनर में फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं। फ्रीजर में जैसे हम मार्केट से फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज लाते हैं तो वो यही होते हैं, इसी तरह से बने होते हैं, एक बार आधे तले हुए होते हैं। तो इन्हें अब मैं फ्रीजर में रख रही हूँ, ठंडा करूंगी खूब अच्छे से। फ्रेंच फ्राइज को फ्रीजर में रखिए, और फ्रिज में नहीं, फ्रीजर में रखना, अच्छे से बर्फ की तरह जमा लेना है। जितने ज़्यादा अच्छे से जम जाएंगे उतने अच्छे और क्रिस्पी बनेंगे। मैंने फ्रेंच फ्राइज़ को निकाल लिया है फ्रिज से, हालांकि ये बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्रोजन नहीं हुए हैं, लेकिन मुझे थोड़ी जल्दी है। तो ये इन्हें मैंने अभी 1 से 1.5 घंटे के लिए रखा था, 2 से 4 घंटे के लिए रखेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो चलिए इन्हें गर्मा गर्म तेल में फ्राई करेंगे। देखिए तेल अच्छे से गर्म है, आँच को कम करना है क्योंकि ठंडे फ्रेंच फ्राइज़ हैं, हमें ठंडे तेल में डाल देंगे तो एकदम से सॉगी हो जाएंगे। आप इन्हें गर्मा गर्म तेल में डालिए और आंच को कम कीजिए और कम आंच पर इन्हें पकाइए। बस तेल हमें आंच अब कम रख ली, लेकिन तेल गर्म होना चाहिए। देखिए फ्रेंच फ्राइज़ को हमने वैसे ही पकाना है जैसे मार्केट से फ्रोजन फ्राइज लाकर हम पकाते हैं। देखिए कुरकुरे इन्हें स्टार्ट हो गए हैं, इस तरह से इन्हें अच्छे से जैसे गोल्डन क्रिस्पी आप बाजार में खाते हैं उसी तरह से जैसे इनका कलर हो जाए वैसे पकाना। बस शुरू में आंच कम रखनी है, जब आपको लगेगा पक गए तो थोड़ा सा कलर के लिए तेज कर सकते हैं। देखिए हमारे फ्रेंच फ्राइज कुरकुरे हो रहे हैं बस, और तैर भी रहे हैं, कितने हल्के हो गए हैं। खूब अच्छे से क्रिस्पी ब्राउन कीजिए और निकाल लीजिए गर्मा गर्म। ये तो फ्रेंच फ्राइज मैंने बना ली, ऐसे आप अलग बैचेस में बना सकते हैं, फ्रीजर में स्टोर करके रख सकते हैं, कभी भी बना सकते हैं। तो देखिए गर्मा गर्म फ्रेंच फ्राइज बनाइए और इन पर नमक छिड़के, क्योंकि हमने पकाते टाइम पहले नमक बिल्कुल नहीं डालना, और जब ये गर्मा गर्म हो तभी नमक डालिए ताकि नमक चिपक जाए। देखिए बढ़िया से बनकर रेडी हो गए, क्रिस्पी क्रिस्पी देखने में लग रहे हैं ना मार्केट वाले। बस इन्हें आप देखिए तोड़ कर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना क्रिस्पी बना है, बिल्कुल मार्केट जैसा बना है। तो गर्मा गर्म खाइए। तो लीजिए बन के रेडी हो गया क्रिस्पी क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज, बिल्कुल मार्केट के लग रहे हैं देखने में, लेकिन हमने घर पर बना लिए बहुत ही सस्ते, आलू बस काटे और तले। तो मुझे उम्मीद है आप अब बाजार से नहीं लेंगे, घर पर बनाएंगे और बनाने के बाद उसे शेयर करेंगे। बताइएगा, हाँ वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।